हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेबल पर और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अ कॉमेडी ऑफ मेरर्स एंड दिस इज रिटेन बाय जॉर्ज बर्नडसो एंड दिस इज़ द नाइन्थ चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स न्यू एस्टर एडवांस बुक इस बुक से रिलेटेड प्रीवियस के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है आप जाइए प्लेलिस्ट विजिट करिए वहाँ पर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड सब चलिए हम सबसे पहले इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स जैसा कि इसका नाम है मैनर्स मीन्स क्या होता है हमें कैसे बैठना चाहिए कैसे उठना चाहिए कैसे हमें बोलना चाहिए एवरी इंक्लूड्स इन आवर मैनर्स और उसके ऊपर एक कॉमेडी बन जाएगी यही हमारे चैप्टर का मेन समरी है तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं देखिए इसके टाइटल को प्रॉपरली समझने के लिए हमें कॉमेडी वर्ड के ओरिजिन को भी पहले थोड़ा समझना होगा द वर्ड कॉमेडी इज़ यूज इन मॉडर्न टाइम्स टू डिस्कस एनी वर्क ऑफ लिटरेचर आर्ट थिएटर और फिल्म हुज एम इज़ टू प्रोवोक लाफ्टर तो कॉमेडी वर्ड जो है आज के मॉडर्न टाइम में इसका एक यूज लिटरेचर में आर्ट में थिएटर में इसलिए होता है क्योंकि वो लाफ्टर को प्रोवोक करना चाहते हैं इट मीन्स कॉमेडी मतलब क्या हंसी आनी चाहिए बट द टर्म कम्स फ्रॉम द एनशियट ग्रीकस हु यूज इट टू स्पेसिफिकली refers to a type of drama that was geared towards presenting stories that ridiculed specific people or society and the world at a large stage तो देखिए लेकिन जब हम इसके ऑरिजिन में जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि एनशियट ग्रीक के टाइम में इसका ऑरिजिन हुआ था और ये स्पेशली उस टाइप के ड्रामास को या फिर स्टोरीज़ को इंडिकेट करता है जहाँ पर जिनका मेन पर्पस होता है कि किसी एक लार्ज ग्रुप को सोसाइटी को या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करके उसके ऊपर कॉमेडी दिखाई जाए यू नो जो हम सटायर करते हैं उसे यहाँ पर कॉमेडी के रूप में दिखाया गया है अ कामेडी ऑफ मैनर सीजन एक्ट अडोप्टेड फ्राम जॉर्ज बर्नड सॉज़ मोस्ट पॉपुलर प्ले पिगमेलियन तो देखिये ये जो हमें स्टोरी यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल रही है ये एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड पार्ट है इट मीनस डैट पूरे ड्रामा का एक छोटा सा पार्ट है और उस ड्रामा का नाम है पिगमेलियन एंड द राइटर इज़ जॉर्ज बर्नड सॉ नेक्स्ट देखिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं बट उससे पहले हमें इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना होगा फर्स्ट कैरेक्टर है हिगन्स ये एक्चुअली प्रोफेसर है एंड इनका काम है लोगों की वॉइस को रिकॉर्ड करना और उनके टोन एंड मैनर्स एंड उनका जो एक्सेंट है ये उनके ऊपर वर्क करते हैं ये देखते हैं कि, कि किसके एक्सेंट में क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद उसे और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं इसका मतलब दैट उस पर्सन को वो स्पीकिंग के तौर पर रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है द फ्लावर गर्ल या फिर एलिजा डोलीटिल इसका नाम एलिज़ा डूलिटिल है एंड इसे द फ्लावर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है एंड ये जो है ये प्रोफेसर हीगन्स के पास आती है बिकॉज इसको ऐसा लगता है कि इसके एक्सेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और प्रोफेसर हीगन्स उसके ऊपर वर्क करके इसके एक्सेंट को अच्छा करेंगे जिससे कि वो एक रेप्यूटेड फ़्लावर शॉप में काम कर पाएगी आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं एंड आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ एल्फर्ट डू लिटिल एल्फर्ट डू लिटिल इज़ एक्चुअली द फादर ऑफ एलिजा डू लिटिल एंड उसके बाद आते हैं मिसेस पियर्स मिसेस पियर्स इज़ द असिस्टेंट और टेक केयर और केयर केयर टेकर ऑफ प्रोफेसर हिगन्स तो चलिए हम अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं देखिए एक्ट टू सीन वन शुरू होता है एंड एक्ट टू सीन वन में टाइमिंग दिया हुआ है इलेवन ए एम प्रोफेसर हिगन्स लेबोरेटरी इन Wimpole Street the lab is a room in Higgins house which has a writing table with a phonograph and a box of wax cylinder for the phonograph on its and some furniture. नेक्स्ट देखिए जैसे ही प्ले शुरू होता है वहाँ पर टाइम दिया हुआ है इलेवन एम का टाइम है प्रोफेसर हिंगसन अपने लेबोरेटरी में है उनकी लेबोरेटरी विम्पोल स्ट्रीट पर है और उस रूम में एक राइटिंग टेबल है और एक फ़ोनोग्राफ मशीन है अब ये फ़ोनोग्राफ मशीन क्या होता है इट मीनस डैट ये एक मशीन है जिसमें वो लोगों की वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और उनके एक्सेंट को सुनकर उसको और बेटर करने का काम करते हैं और वैक्स सिलेंडर क्या है एक्चुअली फ़ोनोग्राफ़ को चलाने के लिए वैक्स सिलेंडर मशीन नेसेसरी है और उस रूम में और बहुत सारे फर्नीचर्स भी है गन्स यूज़ द फोनोग्राफ टू रिकॉर्ड पीपल स्पीकिंग इन डिफरेंट एक्सेंट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च एंड स्टडी तो ये जो प्रोफेसर हीगन्स है ये फोनोग्राफ मशीन में लोगों की वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और इनका काम है कि उसके एक्सेंट के ऊपर वर्क करें और रिसर्च का भी इनका एक पर्पज़ है तो हीगन्स जो है ना अपने किसी कर्नल पिकरिंग के साथ बात कर रहे थे उसी समय उनकी जो हाउस कीपर है मिसेस पियर्स वो एक्चुअली एक यंग लेडी को लेकर आती है असर्स मींस क्या होता है टू ब्रिंग She looks to be a member of the middle class and is wearing a shoddy old coat and a nearly clean dress. She also has a frightful looking hat with brightly colored ostrich feathers. फिदर्स तो देखिए ये जो लड़की आई है ना ये एक मिडिल क्लास फैमिली जैसी लग रही है एंड उसने जो कोट पहना है वो भी काफी ज्यादा शॉर्डी है ओल्ड है इट मीनस वो हायर क्लास की नहीं लग रही है एंड उसके कपड़े हैं नियरली क्लीन बोल सकते हैं बट कम्प्लीटली क्लीन एंड डिसेंट नहीं है और उनका उसकी जो हैट है ना वो बहुत ही फ्राइटफुल लुकिंग है क्यू बिकॉज उसमें एक कलर्ड ऑस्ट्रिच फिदर लगा हुआ है ओके okay? ऑस्ट्रिच का फिदर उसमें सजाया हुआ है डेकोरेट किया हुआ है देखिए हेगेंस क्या बोलते हैं इसे हेलो इज़ द फ्लावर गर्ल आई मेट यस्टरडे व्हाट आर यू डूइंग हियर तो देखिए हिगेंस इसे देखते ही पहचान जाते हैं बोलते हैं अच्छा तुम वही फ्लावर गर्ल हो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मैं तो तुम्हें कल मिला था फ्लावर गर्ल क्या बोलती है मैं यहाँ पर आई हूँ आई एम कम टू आस्क या हेल्प गवर्नर अब देखिए फ्लावर गर्ल जो वर्ड्स यूज करती है यू यू की जगह या बोलती है इट मीन्स दैट इसका जो प्रोनाशिएशन है ना वो बहुत ही गंदा है हिगेंस क्या बोलते हैं हेल्प हेल्प की तुम्हें क्या ज़रूरत है एंड मैंने पहले ही तुम्हारे एक्सेंट को रिकॉर्डेड कर लिया है और तुम अब यहाँ से चले जाओ एंड द फ्लावर गर्ल डोंट यू बी सो सॉसी आई एम कम टू हैव लेसन्स एंड टू पे फॉर देम टू अब देखिए ये फ्लावर गर्ल क्या बोलती है आप इतने ज़्यादा रूड मत बनो सॉसी मीन्स क्या होता है रूड बनना तो मैं यहाँ पर आपसे कुछ सीखने आई हूँ और आप चिंता मत करो आप जो भी है ना आपका मैं आपको उसके लिए पे करूँगी अब यहाँ पर इनके कैरेक्टर्स को देख हमें क्या समझ में आता है दैट ही हु इज़ एक्चुअल Actually the master of uh, accent is himself not talking politely. वो खुद ढंग से बात नहीं कर रहा है एंड जो लड़की गरीब दिख रही है उसमें आत्मसम्मान बहुत है और वो अपने आ, सीखे हुए लेसेंस के लिए पैसे भी पे करने के लिए रेडी है ही गेंस मिस्टिफाइड और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो जाते हैं बोलते हैं लेसेंस वेट फर्स्ट टेल मी योर नेम पहले तुम एक काम करो मुझे अपना नाम तो बताओ ये एक लड़की बताती है एलिजा जूलियटेड पिकरिंग प्लेजेंटली पिकरिंग जो है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और क्या बोलते हैं हाँ तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई एर नाउ वॉट लेसन्स डू यू वॉन्ट हिगेंस टू हेल्प थ तो तुम कौन से लेसन सीखना चाहती हो ग्र से तो मुझे यह बताओ एलिजा क्या बोलती है आई वॉन्ट एम टू मेक ऑल टॉक मोर बेटर मोर जेंटिल अब देखिए यह जो वर्ड्स यूज़ कर रही है ना जेंटिल मींस क्या हुआ है एक्चुअली वो बोलना चाह रही है जेंटल वो ये बोलती है कि मैं आपसे और वो लेसन सीखना चाहती हूँ जिससे कि मैं और ज़्यादा जेंटल हो जाऊँ तो आप इनके एलिजा डू लिटिल के वर्ड्स के थ्रू समझो डैट एक्चुअली उसकी जो प्रोनउंशिएशन है जो उसका टोन है एक्सेंट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हिगन्स क्या होते हैं सरप्राइज हो जाते हैं पूरे सॉरी माफ करिएगा एंड uh, देखिए यहां पर वापस से कंटिन्यू करते हैं ही जो है पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है वाई वॉट एवर फॉर तो तुम्हें ये अच्छा सा लाइक uh, एक्सेंट like सीखने की जरूरत ही क्या है एलिजा क्या बोलती है टेक्स अ डीप ब्रीथ एंड इन रस थोड़ा सा सांस लेती है एंड बहुत ज़ोर से बोलती है कि मैं एक फ़्लावर शॉप में एक एज अ लेडी रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ ख़ुद को बिकॉज मैं वहाँ पर फ्लावर्स बेचना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट टू गो एंड आई वॉन्ट यू टू गिव मी लेस सो आई कैन टॉक लाइक अ लेडी एंड लुक लाइक अ लेडी तो आप देखिए अब ये क्या बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ लेसन्स टीच करो कुछ समझाओ जिससे कि मैं एज अ लेडी दिख सकूँ अब आप देखिए लेडी होने का एक क्राइटेरिया फिक्स है दैट

उसने फ्रेंच लेसन सीखने के लिए बट मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं तो मैं अपनी ये लैंग्वेज सीखने के लिए उतना ज़्यादा पे नहीं कर पाऊंगी कैन नॉट पे दैट मच फॉर लर्निंग माई ओन लैंग्वेज ऑल राइट सो आई वॉन्ट गिव यू मोर देन सिलिंग तो वो क्या बोलते हैं मैं आपको एक सीलिंग से ज़्यादा देने वाली नहीं हूँ वॉट इज सीलिंग सीलिंग इज एक्चुअली द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर एरिया देखिए हिगन्स क्या बोलते हैं हिगन्स बोलते हैं कि नहीं नहीं ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल टास्क है और तुम्हारा जो एक्सेंट है ना टेरिबल है और तुम्हारा ग्रामर जो है वो तो एस्ट्रोसियस है एस्ट्रोसियस मीन्स क्या होता है बहुत ही भयंकर है और उसे ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा एलिजा क्या बोलती है रीजनेबली हाँ आप सही बोल रहे हो मेरा ग्रामर बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो इसीलिए तो मैं आपसे आई हूँ लेसन सीखने के लिए इन इट और अगर मेरा अच्छा होता ग्रामर तो मुझे ज़रूरत ही क्या थी आपसे सीखने के लिए कांट यू टीच मी ग्रामर एंड ऑल ऑफ दैट तो क्या आप मुझे ग्रामर और बाकी जो भी है वो सब सिखा नहीं सकते हेगेंस क्या बोलते हैं आई डोंट वांट अ निनी हैमर ऑन माय हैंड्स तो मुझे ऐसे कोई निनी हैमर जो है ना मैं अपने कंट्रोल में नहीं रखना चाहता हूँ व्हाट इज निनी हैमर निनी हैमर मींस वन हु कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन अ वेरी स्मूथ वे तो देखिए अब हम यहाँ पर केयर करते हैं गौर करते हैं डेट जो पढ़ी लिखी नहीं है जिसे एक्सेंट सीखने की ज़रूरत है वो तो बहुत पोलाइटली बात कर रही है वो कोशिश कर रही है कि वो मुझे सिखा दे लेकिन जो एक टीचर है क्या वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो तो सीधे के सीधे पैसे की बात कर रहे हैं एलिजा नेक्स्ट क्या बोलती है नाउ सी हियर गवर्नर हु यू कॉलिंग नीनी हैमर एंड एलिजा क्या बोलती है अच्छा आप मुझे निनी हैमर बोल रहे हो पिकरिंग हेयर हिगेंस

पिकरिंग उसे बताते हैं दैट मैं बताता हूँ आई विल हम्बली एग्री दैट यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर इन द लैंड इफ यू आर एबल टू पास ऑफ एलिजा एज अ लेडी एट द पार्टी तो मैं तभी मानूंगा कि तुम बहुत बड़े ग्रेटेस्ट टीचर हो उस वर्ल्ड में अगर तुम एलिजा को एज अ लेडी रिप्रेजेंट करते हो पार्टी में एंड आई विल इवन पे फॉर हर लेसन और यहाँ तक कि उसके जो पैसे लगेंगे ना वो मैं तुमको दे दूंगा एलिजा नेक्स्ट क्या बोलती है देखिए यू आर रियली गुड थैंक यू कैप्टन और वो मिस्टर पिकरिंग को कैप्टन बोलकर इंडिकेट uh, करती है हिगन्स देखिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं बिकमिंग एक्साइटेड एज द आइडिया ग्रोज ऑन हिम और उसके बाद हिगन्स जो है ना अब थोड़े से एक्साइटेड होते हैं बिकॉज अब उन्हें लग रहा है कि किस तरीके की लड़की को अगर पूरा मैनर सिखा दिया जाए तो मेरा नाम काफ़ी अच्छा हो जाएगा तो वो क्या बोलते हैं वॉट इज लाइफ बट अ सीरीज ऑफ इंस्पाइड फॉलीज तो हमारी लाइफ क्या है? से है क्या ये सारी स्टुपिडिटी और सिली एक्शंस की ही सीरीज है लाइफ कैन आई डू इट क्या मैं कर सकता हूँ और उसके बाद क्या बोलते हैं नहीं मुझे कोई चांस मिस नहीं करना चाहिए आई सेल मेक अ डचेस ऑफ दिस प्लेबियन प्लेबियन मीन्स क्या होता है एन ऑर्डनरी पर्सन तो मैं इस ऑर्डनरी पर्सन को इस ऑर्डनरी गर्ल को एक डचेस जैसे रिप्रेजेंट करूंगा वट इज़ द मीनिंग ऑफ डचेस डचेस मीन्स द क्वीन तो देखो एक लड़की जिसे बात करने का भी बिहेव नहीं है उसे अगर एक एक क्वीन uh, जैसा बनाया जाए तो उसमें कितना एफर्ट लगेगा एलिजा देयर इज़ नो नीड टू कॉल मी नेम्स गवर्नर अब देखिए इसका गवर्नर की स्पेलिंग देखिए इट मीन्स दैट इसके गवर्नर को बोलने का तरीका देखिए एलिजा क्या बोलती है आपको मुझे ऐसे अलग अलग नामों से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज इसने अभी इसे प्लेबियन कहा उससे पहले उसने उसे नैनी हैमर कहा था तो हिगिनस ओ सिक्स येस सिक्स मंथ्स नो इन थ्री मंथ्स इफ़ सी हैज अ क्विक ईयर एंड अ क्विक टंग आई विल टेक हर एनी वियर एंड पास हर ऑफ एज एनी थिंग आई विल फूल एवरी वन इंटू थिंकिंग सी इज़ मेम्बर ऑफ द अपर क्लास तो देखिए हिगन्स क्या बोलते हैं कि करीबन करीबन छः मंथ और नहीं नहीं करीबन करीबन थ्री मंथ्स भी लग सकते हैं या अगर इसके कान बहुत अच्छे होंगे और अगर इसका टंग अच्छा हुआ इट मीनस जैसे मैं इसे बोलने की कोशिश करूंगा वैसे अगर ये बोलेगी तो ये मैं इसको किसी भी पार्टी में किसी भी अपर क्लास में लोगों को फूल बना सकता हूँ बेवकूफ़ बना सकता हूँ कि ये एक अपर क्लास की एक लड़की है और मैं इसे किसी भी पार्टी में एज अ लेडी पास भी करवा सकता हूँ पिकरिंग क्या बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट माय फ्रेंड बहुत अच्छी बात है हीगिन क्या बोलते हैं नेक्स्ट अब वियर आर योर पेरेंट्स तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं देखिए अलीजा ये पूछे जाने पर दैट तुम्हारे पेरेंट्स का है ये डिस्क्राइब करती है कि मेरी स्टेप मदर जो थी ना उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था आई वॉज़ बिग इनफ टू मेक माई ओन मनी तो जब मैं कमाने के लायक हो चुकी थी तब मेरी स्टेप मदर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था हिगन्स क्या बोलते हैं ठीक है ठीक है वो सारी बातें तो सेटल्स हो चुकी है मिसेस पियर्स अब मिसेस पियर्स कौन है ये उनके केयर टेकर उनके असिस्टेंट्स हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं कि मैं इस टर्म में गर्ल को इस अजीब सी गर्ल को जो कि हर बात का मुँह एकदम होकर जवाब देती है मैं इसको तुम्हारे अंडर छोड़ रहा हूं और एक काम करो इसे अच्छे से साफ कर दो और इसको कुछ क्लोथ्स पहना दो एंड एंड मिसेस मिसेस पियर्स हसल ऑफ ऑफ टू गिव हर अ अ बाथ न्यू सेट तो एलिजा जो है ना मिसेस पियर्स जो है वो एलिजा को जल्दी से ले जाती है और उसे नहलाती है और उसे कुछ क्लोथ्स पहनाती है Higgins जो है ना थाटफुली कुछ बोलते हैं द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विल बी टू गेट हर टू टॉक ग्रामर और सबसे मुश्किल तो यह होगी कि हम उसे ग्रामर कैसे समझाएं एंड सर एक एल्डर पर्सन जो है ना जो कि विग्रस होता है जो आ, काफी ज्यादा है है, an तो हाँ 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 है है वो करता में तो उसके चेहरे पर ना कुछ जिद्दी वाले जैसा कुछ हाव भाव है जो है उससे पूछते हैं अरे अब तुम कौन है इट मीनस दैट अभी तो वो डील कर रहा था इसके साथ ये पागल से लड़के के साथ और अब इसे पता नहीं कौन मिल जाता है जो ये बोलता है कि तुम कौन हो वो मैन क्या बोलता है प्रोफेसर इगिंस अब देखिए ये जो पर्सन है इसके भी बोलने का जो एक्सेंट है बहुत ही गंदा है हिगिंस को वो क्या बोल रहा है इगिंस बोल रहा है मॉर्निंग गवर्नर आई केम ऑफ अ सीरियस मैटर तो मैं यहां पर एक सीरियस मैटर के लिए आया हूं हिगिंस क्या बोलते हैं पिकरिंग को ब्रॉट अप इन अ हॉन्सलो मदर इन वेल्स एंड आई थिंक आई कैन हियर इट इन हिज एक्सेंट टू द न्यूकमर एंड हु माइट यू बी पिकरिंग उसको बोलते हैं दैट तुम्हारे एक्सेंट को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम हंसलो से बिलोंग करते हो एंड तुम्हारी मदर जरूर ही वेल्स की होगी ऑल दिस आर द नेम्स ऑफ द प्लेस ओके दैट्स वाई इट इज रिटर्न इन कैपिटल लेटर एंड मुझे तुम्हारा एक्सेंट देख ऐसा ही कुछ लग रहा है एंड हु माइट यू बी और तुम हो कौन सकते हो ये पर्सन क्या बोलता है नेम्स अल्फ्रेड डू लिटिल सर मेरा नाम क्या है अल्फ्रेड डू लिटिल है हीगन्स बोलते हैं वेल वॉट डू यू वॉन्ट डू लिटिल अच्छा आप तुम ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या तुम यहाँ पर क्यों

तो हिगेंस बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है तुम अपनी बेटी का कंसर्न करते हो उसकी चिंता करते हो इसीलिए तुम आए हो और उसे और और कौन तुम्हारी बेटी को लाइक का केयर करेगा ये तो तुम्हें ही करना होगा और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पर अपनी बेटी के लिए आए हो बिकॉज़ हमने अभी देखा था कि उस लड़की ने भी बताया था कि उसके स्टेप मदर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था डू लिटिल क्या बोलते हैं पेन स्टेकिंगली ट्राइंग टू फॉलो हीगन्स वर्ड्स पेन स्टेकिंगली मीन्स पेंस्ट क्या होता है विच एक्सट्रीम एंड मच केयर एंड अफोर्ड बहुत कोशिश करते हैं कि आखिर हीगन्स ने इतनी लंबी स्पीच क्या बोली है लेकिन वो समझ तो नहीं पाते हैं और क्या बोलते हैं एह हीस विल यू वेल यू वॉन्ट हर टेक हर अवे once. अब देखो हेगन्स समझ जाते हैं कि डू uh, लिटिल जो है वो इनके वर्ड्स को कैप्चर नहीं कर पाए इन सारे वर्ड्स को और इसलिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलते कि अच्छा तुम चाहते हो कि तुम अपनी बेटी को लेके जाओ तो एक काम करो तुम अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से अब डू लिटिल के पल्ले पड़ती है वो बोलना क्या चाहते हैं तो वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं और बोलते हैं वॉट तो मैं इस स्टोरी को यहाँ तक रखती हूँ नेक्स्ट डे हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल And let us meet with the second part of this chapter, Comedy of Errors.